नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कोरोना पॉजिटिव को लाख प्रयास के बाद भी नहीं मिली एम्बुलेंस, साइकिल चलाकर अस्पताल भर्ती होने पहुंचा। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना के खिलाफ मुस्तैदी के साथ लड़ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी कोरोना को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास पर बढ़ चढ़कर दावे कर रही है। लेकिन इन दावों के बीच ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो शिवराज सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और दावों पर दाग लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में देखने को मिल रहा है, जहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज अपनी लाख कोशिशों के बाद भी एम्बुलेंस या फिर कोई अन्य सरकारी साधन ना मिलने से मजबूरी में शहर के बीचों बीच होते हुए कई किलोमीटर का सफर अपनी साइकिल से कर खुद अस्पताल पहुंचा। इस घटना के बाद भी जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोग पर्याप्त साधन होने की बात करते हुए मीडिया के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए जनता को जागरूक करने की नसीहत दे रहे हैं। दरअसल शहडोल के पांडव नगर वार्ड नंबर 7 में रहने वाले एक व्यक्ति को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो परिवार वालों के साथ वो खुद दहशत में आ गया। पड़ोसी और मोहल्ले वाले मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए दबाव डालने लगे। कोरोना पीड़ित को मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए फोन आया कि गाड़ी आने में समय लगेगा। मोहल्ले वालों के दबाव के चलते पीड़ित कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी शहर के बीच से होते हुए 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने पहुंचा। जैसे ही यह बात शहर के लोगों को पता चली, तो लोगों ने जिला प्रशासन को कोसते हुए खुद को संक्रमित होने के डर से दहशत में होना बताया। बता दें कि शहडोल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, जिससे मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार जिला के मुखिया CMO एक तरफ तो कोरोना मरीजों का इलाज के लिए लाने ले जाने के लिए पर्याप्त साधन की बात कहते नहीं थके, तो वहीं लोगों को इस मामले में जागरूक करने के लिए मीडिया को ही जिम्मेदार ठहराते हुए नसीहत दे डाली। जबकि संपूर्ण देशवासियों को यह पता है कि इस कोरोना महामारी में मीडिया अपने दायित्वों का बखूबी पालन कर रहा है, लोगों को शुरू से ही जागरूक करता चला आ रहा है। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं मध्य प्रदेश शहडोल जिले से हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। कुछ नहीं, तुमको है ना पॉजिटिव हो ना, बस कुछ नहीं है। पास फोन आया, सही बताइए आपको कहाँ से फोन आया था, क्या आया था? सर फोन तो मैडम ये की रही, मैडम की रही, क्या की थी? वो बोले कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और घर सभी सदस्यों का नाम पूछी, तो मैं सभी सदस्यों का नाम बताया। फिर आपको फिर क्या बोली आपको आगे? फिर मैं बोला मैडम कि कहाँ जाना पड़ेगा, तो बोली कि मेडिकल कॉलेज से आपको फोन आएगा, तो मैं बोला ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर अभी तक तो किसी का फोन आया नहीं, तो मैं सोच रहा था फिर कहाँ जा रहा था। सर मेडिकल कॉलेज जा रहा था। किसने बुलाया? सर बुलाया तो किसी ने नहीं, पर मैं सोचा कि चला जाए। बात की ना कोई डॉक्टर से बात की थी आपकी? डॉक्टर से बात तो नहीं थी। आप पैदल ऐसे जा रहे हैं? अरे तो नंबर फोन ही लगा 98-93 बात हुई, तो वो बोले कि यदि आपके पास सुविधा हो तो निकल जाइए, हमको थोड़ा समय लगेगा, गाड़ी अभी व्यस्त है। तो हम बोले ठीक है साहब, हमारे पास साइकिल है, हम निकल जाएंगे उसी से। काहे में जा रहे हैं सर? काहे में जा रहे हैं? मेरे घर साइकिल से। तो वहाँ से डॉक्टर के द्वारा बुलाया गया कि आप जैसे में वैसे आ जाइए? हाँ साइकिल से आ जाइए। हाँ साइकिल से आ जाइए बोले। ये कम नहीं, 4 एम्बुलेंस हमारे पास कैंपस में खड़ी है, एक 108 की भी हमने फिक्स कर रखी है, और कलेक्टर महोदय के प्रयास से हमको किसी भी एम्बुलेंस को इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। इवन जिला जेल की एम्बुलेंस हमारे पास है, किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम की एम्बुलेंस हम कभी भी ले सकते हैं, ये भी अधिकार हमारे पास है। और अगर कोई गया है अपने साधन से, तो उसकी अपनी कम्युनिकेशन गैप के कारण गया, वो या तो हमको ठीक से समझा नहीं पाया, या उसके पते तक हम पहुंच नहीं पाए किसी और गलत फहमी से। परंतु ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई एम्बुलेंस के बिना और उसको जाने के लिए बाध्य किया जाए। विडम्बना यही है कि साधन संसाधन होने के बाद उसको नहीं मिला, साइकिल से गया है। साइकिल से गया है तो वो उसने हमको पूरी तरह से अवगत नहीं करा पाया,
और अगर उसको नेचुरली अगर हमको चार जगह जाना है तो कहीं ना कहीं हम पहले पहुंचेंगे, उस चौथी जगह बाद में पहुंचेंगे। तो इसमें जब तक जनता का सहयोग हमारे साथ नहीं होगा, जनता की समझदारी नहीं होगी, तो हम इस तरह की घटना को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए सबको समझदार होना पड़ेगा और सबको उसके लिए प्रयास करने होंगे। इस दौरान जिस जिस क्षेत्र से गया होगा वो साइकिल से, तो लोग संक्रमित भी हो सकते थे? बिल्कुल संक्रमित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो साइकिल से खुद साइकिल में चढ़ के गया है और रास्ते में किसी सम्मेलन करते हुए नहीं, मतलब मिलते हुए नहीं गया है, इसलिए संक्रमण की कोई संभावना नहीं है। मास्क लगा करके गया होगा, अपना सामान लेकर के गया होगा, तो रास्ते चलते संक्रमण फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं है अगर वाहन में अकेला चल रहा है। कहीं ना कहीं जन जागरूकता कमी भी समझ में आ रही है लोग जो है। जन जागरूकता कमी मीडिया का दायित्व है, मीडिया अच्छी तरह से अगर उसका जन जागरूकता पहुंचाए तो निश्चित रूप से इस तरह कोई कमी नहीं होगी।